आदित्यनारायणला मी असं सांगेन, तुम्ही हे का नाही करत की तुम्ही तुमच्याकडे वेगळे उद्योग का नाही तयार करत, ते करा आणि त्यासाठी वातावरण तयार करा, त्यासाठी रोज काही धर्माच्या आणि ह्याच्या गोष्टी करण्याऐवजी आणि भगवे कपडे घालून फिरण्याऐवजी जरा मॉडर्न व्हा, आधुनिक व्हा. उद्योग हे आधुनिक रीतीचे असतात, ते आधुनिक विचार घ्या तर उद्योग येतील. सुना आपने, शायद आप में से कुछ लोगों को इनकी कही हुई बात समझ नहीं आई होगी, लेकिन शायद आपको इनकी कही हुई बात में से ये समझ जरूर आ गया होगा कि ये भगवा रंग पर कुछ बोल रहे हैं. मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ये साहब आखिर कौन है. तो आपको बता दें कि ये महाराष्ट्र कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई है, जिन्होंने बाबा योगी आदित्यनाथ और उनके भगवा कपड़ों पर विवादित टिप्पणी की है और भगवे को आउटडेटेड बता दिया है. दरअसल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों अगले महीने होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी के लिए सीएम योगी यूपी में निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्योगों और बॉलीवुड के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए मुंबई दौरे पर पहुंचे हुए हैं. बस इसी बीच सीएम योगी के दौरे पर सवाल का जवाब देते हुए कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने कहा, उद्योग भगवा कपड़ों पहनने और धर्म से नहीं आता, बल्कि उसके लिए मॉडर्न होना पड़ता है. कांग्रेस नेता ने आगे कहा, उन्हें उद्योगों को यहां से ले जाने के बजाय यूपी में विकसित करना चाहिए. उन्हें भगवा वस्त्र पहनने की बजाय मॉडर्न वस्त्र पहनने चाहिए, क्योंकि उद्योग आधुनिकता का प्रतीक है. योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर कांग्रेस नेता की टिप्पणी के बाद भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है. बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को फिर हिंदू विरोधी करार दिया है. राम कदम ने कहा, कांग्रेस नेता और उनके दल को हिंदू धर्म के सनातनी पवित्र भगवे रंग से इतनी नफरत क्यों? हमारी ध्वजा का रंग तथा हमारे साधु संतों का केवल वे पहनावा नहीं, बल्कि त्याग, बलिदान, सेवा, ज्ञान, शुद्धता एवं आध्यात्म का परिचायक है. चुनाव के समय हिंदू धर्म तथा हिंदू लोग कांग्रेस को स्मरण आते हैं. बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाला ने भी हुसैन दलवाई के बयान पर कांग्रेस को घेरा. शहजाद ने पूछा कि क्या कांग्रेस राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग का भी विरोध करती है? हुसैन दलवाई का आया है भगवा रंग और भगवे कपड़े को लेकर योगी आदित्यनाथ जी के. बार बार इस प्रकार के वक्तव्य आते हैं, हिंदू आतंक, भगवा आतंक, हिंदुत्व आइसिस की तरह होता है, गीता जी में जिहाद दिखता है, राम जी का अस्तित्व नहीं, राम मंदिर का करो विरोध, हिंदू गंदा शब्द होता है. और आज जो वक्तव्य हुसैन दलवाई ने दिया है, ये दरअसल वोट बैंक को खुश करने के लिए, ताकि मिले वोट बैंक की ताली तो दो हिंदू आस्था को गाली, इस प्रकार का वक्तव्य बार बार आता है. भगवा रंग तो तप त्याग का प्रतीक है, हमारे तिरंगे का एक अहम हिस्सा है. क्या कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध करती है? आज जनयुधारी राहुल गांधी को बताना चाहिए कि क्या वो इस वक्तव्य के साथ है या वो इस वक्तव्य का खंडन करते हैं और हुसैन दलवाई पर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई करेगी. आपको बता दें कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 अगले महीने लखनऊ में आयोजित होना है. इसमें निवेशकों को आकर्षित करने के मकसद से योगी आदित्यनाथ मुंबई के दौरे पर पहुंचे हैं. यहां वो उद्योग जगत और बॉलीवुड के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं. सीएम योगी ने यहां बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार से भी मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई थी. इस खबर में इतना ही. ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज़. वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम.